हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है फेमस इंडियन ब्लॉगर। तो निकलते हैं अगले सफर की तरफ, बैग टांग लो। और ये हो गया हमारा बैग तैयार, लेट्स गो। आज हम आपको पूरा मनाली को डिस्कवर करवाएंगे, यानी कि हम मनाली में आपको तीन चार चीजें दिखाएंगे। एक तो वन विहार है जो पार्क है, ये हमारा जो ब्लॉग होगा ये होगा प्लेसेस टू विजिट इन मनाली। वन विहार है, हडिम्बा टेम्पल है, एक वशिष्ठ है। तो माल रोड तो आपने सबने देख ही ली है, ये तीन चार चीजें हैं। कोशिश करेंगे, एक मोनेस्ट्री भी है मनाली की, वो भी हम इस ब्लॉग में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्लॉग बहुत बेहतरीन रहने वाला अगर आप मनाली आ रहे हैं और यहाँ पर घूमना चाहते हैं, तो बड़ा ही अच्छा ब्लॉग रहने वाला आप सबके लिए। और मैंने आपको बजट होटल बता ही दिया है यहाँ पर रहने के लिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगी। तो बने रहें एंड तक ब्लॉग में। हाँ जी, वन विहार के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये है वन विहार मनाली का। तो आज हम आपको इस ब्लॉग में वो मनाली की सारी जगह विजिट करवाएंगे, वन विहार। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि पानी निकलेगा ऊपर से सारा जहाँ तक हम जाएंगे, तो इसलिए डीएसएलआर से हम शूट ही नहीं कर ही नहीं पा रहे हैं ना। तो ये है टिकट प्राइस, जो है वो है विंटर का 9 AM to 5 PM है, अडल्ट की 50 रुपये परसेंट टिकट है। दो टिकटें करवाते हैं भाई जी, दो टिकटें कर दो। फिर हम वन विहार में एंट्री कर ली है, 50 रुपीज़ पर अडल्ट की जो टिकट प्राइस है। तो एक राह जा रहा है ये खतरनाक रास्ते की तरफ। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, डरना मत। चलो अब हम चलते हैं वन विहार। इसको थोड़ा डर लगता है तो हम थोड़ा पकड़ के रखेंगे इसको, तो घबराना नहीं है। ओशो, खबर बड़ी सुनने मिलती हैं थे। खबर बस बोल मत अब तो कुछ भी। यहाँ पर अभी फिलहाल अगर स्नो होती है यार कितना अच्छा लगना था, इतनी जल्दी स्नो पिघल कैसे गई है। यहाँ के जो खासियत है वो ये जो है पेड़, यहाँ के लंबे लंबे पेड़ हैं, तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पेड़ हैं। और बच्चों वगैरह के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो आप इंजॉय करवा सकते हैं बच्चों को। ये सामने से जो आर्टिफिशियल लेक नज़र आ रही है, तो ये फ्रोजन नज़र आ रही है मेरे को। लेट्स सी क्या चीज़ है, देखते हैं। और इसके बाद हम हडिम्बा टेम्पल को कवर करेंगे। रहस्यमय कहानी कोई नहीं है, ये बालक डरा रहा है आप सबको, तो डरना नहीं है। जो कि बताया नहीं जा सकता ऐसे, आप मेरा नंबर ले लीजिए, इनका नंबर ले लीजिए, ये रहस्यमय कहानियाँ बताएंगे आपको। सारी कहानी बता दूंगा यहाँ की, मनाली के अंदर क्या होता है, ऐसी कहानी बताएंगे फिर आप घुस नहीं पाएंगे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ है, मजाक कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पार्ट होना चाहिए ना, तो वही हम कोशिश कर रहे हैं करने की। ये आ गई साड़ी फ्रोजन लेक आ गई है जी, ओलिवर की बनाई लगती है या। तो ये जी आ गए हैं हडिम्बा टेम्पल। तो ऊपर हडिम्बा टेम्पल है, माल रोड से नीचे अराउंड 2 किलोमीटर के करीब आना पड़ता है, और पार्किंग सामने लग जाती है हडिम्बा टेम्पल के। पार्किंग चार्जेस जो हैं वो अराउंड 100 रुपीज़ है, 100 to 150। अच्छा, सीजन में 150 होता है, वैसे 100 रुपीज़ है। तो चलो आपको हम अब हडिम्बा टेम्पल ले कर चलते हैं, जो कि यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है। जो हिडिम्बा थी वो अपने भाई के साथ रहती थी जिनका नाम था हिडिम्ब। तो ये राक्षस फैमिली में इनका जन्म हुआ था हिडिम्बा का, जैसा कि इनको हिडिम्बा देवी टेंपल बोला जाता है। तो ये 1553 में बिल्ट किया गया था बाय महाराजा बहादुर सिंह। इतिहास में इनके एक चीज़ ये भी बताई जाती है कि हिडिम्बा उसी से शादी करेगी जो उनके ब्रदर यानी कि हिडिम्ब को डिफीट कर सकता है, यानी कि हरा सकता है। फाइनली जब
पांडवों ने मनाली में मतलब पहुंचे थे मनाली जब पांडव, तो पांच पांडवों में से एक पांडव जो कि भीमा नाम से थे उन्होंने डिफीट करा था हडिम्बा देवी जो उनके भाई को हिडिम्ब को, तब उसके बाद हडिम्बा की जो शादी थी उनसे हो गई थी भीमा से, ठीक है। तो उनका जो फिर उसके बाद उनका बच्चा हुआ सन, तो उसका नाम था घटोकच, हाँ घटोटकच। वो मैं आपको प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपको नीचे लिख दूंगा। तो ये इतिहास है यहाँ का हडिम्बा देवी टेंपल का, तो जो कि राक्षस फैमिली में से आते थे। जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सारा वुडन का है, वुडन से बनाया गया है और बहुत ही पुराना ये टेंपल है। इसकी जो हाइट है वो अराउंड 24 मीटर के अराउंड बताई जाती है। इसके जो तीन अगर ऊपर से देखा जाएगा तो क्या तीन स्क्वेरिश रूफ हैं, जो कि सबसे जो टॉप का रूफ है वो अराउंड 20 मीटर ऊपर है। और इसका जो इतिहास कर बताते हैं कि जो इसका अंदर का जो एक स्टोन है उस पर जो हडिम्बा देवी बोलते हैं उनका जो फीट है उसका प्रिंट है, और उसके लोग माथा टेकने यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे वुडन कार्विंग सारी हो रखी है। इसमें एक तो दुर्गा जी की भी प्रिंटिंग है जो कि वुड से कार्व, वुडन पे कार्व की गई है, और लॉर्ड कृष्णा जी के जन्म से लेकर आगे तक जितना टाइम पीरियड है उसके बारे में भी दर्शाया गया है कार्विंग करके इस वुडन स्ट्रक्चर पर। तो ये देख सकते हैं ये कई जानवरों के पुराने स्केलेटन लगे हुए हैं। तो ये जो हडिम्बा देवी का टेंपल है ये इसी चीज़ों के लिए मशहूर है। देख सकते हैं ये सिंह लगे हुए हैं कितने सारे, और ये तभी से लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही रहस्यमय इतिहास है। यहाँ पर लोग हडिम्बा देवी टेंपल में सारे टूरिस्ट आते हैं और माथा टेक के जाते हैं। और पीछे देखते हैं क्या है, एक बार पीछे चल के देखते हैं यहाँ पर। ये वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस में आता है मनाली की हडिम्बा देवी टेंपल। आप देख सकते हैं अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर एक बार विज़िट करें। ये प्रॉपर इतिहास लिखा हुआ है, अगर किसी को प्रॉपर तरीके से जानना है तो मैं क्लोज में ले जाता हूँ वीडियो को, तो आप पॉज करके देख सकते हैं एक बार। देखते ही देखते हमारा ये इस टाइम हडिम्बा देवी टेंपल में मौसम बदल गया है और स्नो होनी शुरू हो चुकी है। पीछे दिखाओ सूर्य, ये देखो देखो स्नो पड़ रही है, स्नो पड़नी शुरू हो चुकी है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ स्नो पड़ गई। ऊपर देखो थोड़ा से बादल है, कोई ऐसा खास है भी नहीं है, और उधर पीछे धूप है। तो यहाँ हो रही है स्नो, तो ये तो फिर हमारे लिए लकी जगह रही लकी है कि हम यहाँ पर आए और स्नोफॉल शुरू हो गई। थोड़ा अच्छा लग रहा है यार यहाँ देखो क्या व्यू है। हाँ तो चलो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो हमारा ये व्लॉग जो चल रहा है वो चल रहा है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मनाली। ऐसा मौसम में भुट्टा खाना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी में ही भुट्टा ज़्यादा स्वाद लगता है। हाँ जी हाँ भाई, मैं कहा सर्दी में ही भुट्टा ज़्यादा स्वाद लगता है, इसी समय में खाने में टेस्टी होता है, इसी सीज़न में खाने का मज़ा है। तो पहाड़ों में आओगे तो भुट्टा, एक मैगी और एक चाय, ये मज़ेदार चीज़ है। ये देखो अब नींबू लगा दो और चटनी लगा दो, ये क्या बात है, मुँह में पानी आ गया। थैंक यू जी, वेलकम सर, गर्मा गर्म नींबू मार के। अब वापस इसी रास्ते से फिर माल रोड की तरफ, माल रोड की तरफ जाएंगे मनाली की ओर। मनाली की ओर चढ़ाई देखो, सीधी खड़ी खड़ी चढ़ाई है, सारी खड़ी चढ़ाई है, और यहाँ पर गाड़ियों की होती है ऐसी कैसी, ये देखो ना बहुत मुश्किल है गाड़ी चलानी बर्फ़ में। तो अब हम अपनी तीसरी लोकेशन पे जा रहे हैं जो कि है वशिष्ठ टेम्पल। तो यहाँ पर गर्म पानी का कुंड बोलते हैं, गर्म पानी निकलता है, एक तो मणिकरण में भी आता है, और एक ये वशिष्ठ टेम्पल है यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है और खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर भी, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है ड्राइव करके, क्योंकि 3 दिन बाद आज ड्राइव करी है मैंने। ये सीन देखो बर्फ़ का कितना बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये मनाली से काफ़ी हाइट पे है, और सारा लेफ्ट पे जो है वो अटल टनल वाला रोड है और
गाइड है वो मनाली मॉल रोड से, और जो कि अभी हम आपको हिडिंबा टेम्पल दिखाते हैं, इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर ही आएँ। अगर विंटर में आ रहे हैं, अगर स्नोफॉल है तो आप 4x4 जिप्सी हो, या तो आपकी या बर्फ़ पूरी तरह से पिघल गई हो तब रिस्क लें। अभी देख सकते हैं सामने ये थोड़ा स्नो ही एरिया है, एरिया सारा, ये देखो ये गड्डी फिसल रही है, ये थोड़ा रिस्क सा है अशोक। तो हम पहुंच गए हैं वशिष्ठ टेंपल। ये जो वशिष्ठ टेंपल है ये मनाली से 3 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि अटल टनल वाला जो रोड जाता है उससे थोड़ा सा राइट हो जाऊंगे तो ये रास्ता वशिष्ठ, एक विलेज का नाम है, यहाँ पर वशिष्ठ मंदिर पड़ता है। इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, अगर यहाँ पर आप स्नान कर लेंगे या बात कर लेंगे तो आपको जो बॉडी इन्फेक्शन होते हैं या कोई भी एलर्जी होती है, स्किन इन्फेक्शन, ऐसी मान्यता है कि वो दूर हो जाते हैं। ये वो जगह है, और काफ़ी ये इसका देखो स्ट्रक्चर, इसका भी सारा वुडन का है, जैसे हिडिंबा टेम्पल का स्ट्रक्चर सारा वुडन में कार्विंग है, वैसे ही देखो ये है हमारा वशिष्ठ टेम्पल। ये है, यहाँ से एंट्री होती है, ये है वशिष्ठ टेम्पल। और जो हॉट वाटर का कुंड है वो ये लेडीज़ का यहाँ पर है स्नान करने का, और यहाँ शूज़ उतार लेंगे आप, शूज़ उतार के अंदर जाना है आपको। और ये हॉट वाटर जो बात यहाँ पर सेपरेट है, अगर किसी को करनी हो वहाँ पर जेंट के लिए बात करने के लिए, और वहाँ पे है लेडीज़ के लिए सेपरेट बात है। गेस्ट हाउस भी हैं, अगर आपको किसी को रहना हो वशिष्ठ में तो ये सारे गेस्ट हाउस हैं, तो बहुत अच्छी लोकेशन है ये रहने के लिए, और पीसफुल है ये एरिया। चलो अब हम आपको लेके चलते हैं वशिष्ठ टेंपल के अंदर, क्योंकि लेट हो गए हैं, तो 7 बजे से पहले आपने एंट्री करनी है, और यहाँ पर आके आप आराम से माथा टेक सकते हैं और पहले शूज़ उतार लें। हाँ जी, तो ये है वशिष्ठ टेंपल, तो आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं एक बार, वुडन कार्विंग कितनी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी कारीगरी करी गई है, तो ये देखने वाली चीज़ें हैं। तो एक बार मनाली आओ तो ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। ये वशिष्ठ टेंपल है, ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, अगर आप आराम से स्नान कर सकते हैं। ये गर्म पानी का कुंड आपको सामने नज़र आ रहा है, तो ये काफ़ी जो इन्फेक्शन बॉडी के होते हैं, बॉडी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन को दूर करता है, तो ये देख सकते हैं। ये देखो ये वशिष्ठ टेंपल है, तो सब एक बार देख लें क्योंकि ज़्यादा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, तो मैं ये बता रहा था। वैसे मान्यता ये है कि कोई ऋषि करके हैं गुरुजी, इनके महाऋषि लिखा हुआ सामने, उनका वरदान यहाँ पर मिला था कि गर्म पानी का कुंड जैसे आपको नज़र आ रहा है उनका वरदान है, तभी ये गर्म पानी, उसको होते हैं हॉट सल्फरस वाटर बोलते हैं, तो वो यहाँ से निकलता है, अपने लोग आते हैं यहाँ पर स्नान करके जाते हैं, और अपने जो बॉडी इन्फेक्शंस या कुछ भी तरह की इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन, उसको दूर करते हैं, तो ये यहाँ की मान्यता है। तो एक बार सारा स्ट्रक्चर देख लें आप, ये है वशिष्ठ टेंपल, मनाली से 3 किलोमीटर पड़ता है ये वशिष्ठ टेंपल। तो कभी भी अगर आप मनाली आएँ तो वशिष्ठ टेंपल को ज़रूर विज़िट करें, वशिष्ठ एरिया पड़ता है, विलेज पड़ता है, और इसको वशिष्ठ टेंपल से नाम से बुलाया जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये है वो कुंड जहाँ पर सब स्नान करते हैं, और अपने जो बॉडी इन्फेक्शन हैं या कुछ भी मान्यता है, किसी को प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आकर ठीक हो जाते हैं, ये मान्यता है यहाँ की, गर्म पानी का कुंड है। तो ऐसे ही ये जेंट्स का, ऐसे ही लेडीज़ का। तो फिर मनाली एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ गए हैं खाने को एक्सप्लोर करने। गुलाब जामुन कैसे पीछे रह सकता था, और गाजर का हलवा, बाकी यह गजरेला है, नहीं ये है गुलाब जामुन, वो है गजरेला, और ये है माल रोड, और हम कर रहे हैं एंजॉय, ऊपर से पड़ रही है ठंड। तो आप सबको पता है कि मैंने आपको इस व्लॉग में दिखाया सारा मनाली में जितना आप घूम सकते हैं जगह। अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं, होप है आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, तो जो जो मनाली आना चाहता है तो आपको ये जो वीडियो हमने बनाई है ये बहुत ही बेनिफिशियल होगी, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को, ठीक है। ओके, मिलते हैं तुम अगली वीडियो, ओके।
रब रखा। बाय बाय। खाली दिस इज फुल, दिस इज सो मच, दिस इज गुड, दिस इज व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, लड्डू तन्नू, अच्छा लड्डू।